शिवा मंदिर क्या होता है मंदिर के अंदर? सिर्फ एक पत्थर। अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं कि वो भगवान है। बात करते हैं विज्ञान की। आइए पत्थर को पत्थर की तरह देखते हैं, अपने देवताओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखें और ध्यान से सुने, मैं आपको बहुत मूलभूत बातें बताऊंगा। यदि आप मंदिर की संरचना को देखते हैं तो गर्भगृह के अंदर आप पाएंगे कि एक पत्थर है जो कि आसन सहित लगभग 6 से 7 या 9 फीट का होगा। बहुत सारे लोग इस बात का उपहास बनाते हैं कि पत्थर की इतनी सजावट क्यों करी गई है, इसमें क्या है, आप इस गूंगे पत्थर को भगवान समझकर पूजा कैसे कर सकते हैं। उन सभी बेवकूफों के लिए जो मूर्ति पूजा का उपहास कर रहे हैं, आइए विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये क्या है? ये एक चट्टान है। चट्टान क्या होती है? चट्टान धातुओं और खनिजों से बनी हुई होती है। यदि आप एक घाटी में जाते हैं और कुछ चिल्लाते हैं तो वह चट्टान क्या करती है? वो आपको एक प्रतिध्वनि देती है, क्योंकि ये एक खुली जगह है इसलिए ध्वनि इसमें यात्रा करती है, चट्टानों से टकराती है और चट्टानें इसे वापस फेंक देती है। इस प्रक्रिया को इको कहते हैं और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, हर कोई इसे जानता है। आप ध्वनि तरंगों को जितनी जोर से भेजते हैं उसी के आधार पर चट्टानें एक प्रतिध्वनि को वापस फेंकती हैं और ऐसा हर चट्टान करती है, इसलिए आपको अलग अलग अंतराल पर 2-3 आवाजें सुनाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को आप देख नहीं सकते लेकिन आप इसे सुन सकते हैं। ये तो बात हुई खुले स्थान की। अब सोचिए अगर आप बंद जगह पर ऐसा करें तो प्रतिध्वनि कितनी होगी? निश्चित तौर पर खुली जगह से तो बहुत ज्यादा होगी। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहां आपको या तो एक शिवलिंग मिलेगा या चट्टान से बनी कोई मूर्ति मिलेगी। ये मूर्ति दीवारों से बंद एक संरचना में रखी गई होगी जिसके शीर्ष पर एक गली गोपुरम होगा। ये पूरी संरचना एक पिरामिड की संरचना की तरह होती है जिसकी नोक आकाश की तरफ इशारा करती है। यहां कोई वेंटिलेशन भी नहीं होगा। पत्थर की दीवारों से बना यह स्थान इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं पहुंच पाता। लगभग सभी मंदिर ऐसे ही होते हैं। इन्हीं मंदिरों में खड़े होकर लोग अंदर विराजित चट्टान को अपनी आवाजें या प्रार्थनाएं भेजते हैं। आज ही नहीं पिछले कई हजार वर्षों से इसका अभ्यास किया जा रहा है, निरंतर ये आवाजें भेजी जा रही हैं, ठीक सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर शाम से लेकर रात तक, हर दिन सभी मंदिरों में। सिर्फ मंत्रों की ही नहीं घंटियों की भी आवाज की जाती है और कुछ कुछ मंदिरों में तो ढोल नाद भी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ध्वनि का एक प्रारूप होता है। सभी मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए मैं कुछ प्रयोग दिखाने जा रहा हूं जहां विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के कारण अलग अलग कण अपने पैटर्न और प्रारूप को बदल लेते हैं। नाइजल स्टैनफोर्ड ने अपने चैनल पर एक सुंदर म्यूजिक वीडियो बनाया है जिसमें वे दिखा रहे हैं कि ध्वनि के कारण पानी, अग्नि और विभिन्न कण कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं बदलते हैं। ये एक अविश्वसनीय प्रयोग है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। It is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies. अब आपके शरीर की बात करें तो उसका 72% जल तत्व है, 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु तत्व है, 4% अग्नि तत्व है और बाकी के 6% आकाश तत्व है। आपको नहीं लगता कि इन ध्वनियों का आपके सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता होगा? जरा देखिए कि पानी कितनी तेजी से ध्वनि का जवाब दे रहा है। इसी प्रकार अग्नि भी दे रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मांड का कण कण अलग अलग ध्वनियों पर अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देता है। अतीत के योगियों ने हमेशा कहा है कि ध्वनि अस्तित्व का आधार है। प्रत्येक साकार दृश्य एक प्रकार से ध्वनि का ही पुनर्जन्म है। यदि आप ध्वनि में महारत हासिल करते हैं तो आप 5 तत्वों के साथ खेल सकते हैं। इसी महारत के कारण अतीत में ऋषियों ने पानी पर चलने, हवा में गायब होने, दीवारों के आर पार हो जाने जैसे कामों को बड़ी आसानी से कर लिया। हैरी पॉटर फिल्म में तो आपने एक काल्पनिक कहानी देखी है
लेकिन हमारे यहां तो ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने वो सब वास्तविकता में किया है। आज भी कई ऐसे गुप्त योगी होंगे जो उन चीजों को कर सकते होंगे, और केवल वो ही नहीं, आप और मैं भी इसे कर सकते हैं अगर हम ध्वनि पर महारत हासिल करें। आपको ऐसा करने के लिए इंद्रियों से परे एक धारणा की आवश्यकता है। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका संयम ही है। यह सफलता आप किसी घटिया प्रयोग के माध्यम से प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। जिन्होंने ऐसी कोशिश की वो या तो विक्षिप्त हो गए या अनुसंधान में बहुत सारा पैसा बर्बाद करके पूरी तरह से असफल हो गए। जिन्हें योग करने में आलस होता है ऐसे लोगों को निराश करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ध्यान के अलावा तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक और सलाह देता हूं, आप YouTube पर इस तरह के और भी प्रयोग देखें ताकि आप वो समझ पाएं जो मैं यहां कहना चाहता हूं। खैर, मंदिरों के अंदर कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे क्या होता है, ध्वनि पत्थर को छुएगी और अलग अलग दिशाओं में वापस उछलेगी। अब क्योंकि यह एक बंद कमरा है तो ध्वनि की ऊर्जा को मुख्य द्वार से होकर ही गुजरना पड़ता है, और जो भी सामने खड़ा होता है वो पूरी तरह से उस ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर में इन पॉजिटिव वाइब्स का अनुभव आपने भी किया होगा। अब ये देखिए कि मंदिर में किसका जप किया जाता है। सुबह किया जाता है विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु के हजार नाम, और रात में होता है ललिता सहस्रनाम, देवी पार्वती के हजार नाम। शिव उपासना मंत्रम, लिंगाष्टकम, ओम नमः शिवाय, निर्वाण शतकम आदि आदि मंत्रों का मानव प्रणाली पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मैं वास्तव में जांचना चाहता था कि इन ध्वनियों का मानव प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं मानव मस्तिष्क और मानव प्रणाली पर इन ध्वनियों के प्रभाव को समझने और इसके प्रमाणों को लेने के लिए न्यूरोसर्जन के पास गया। मैं अपने दोस्त राहुल को ईईजी टेस्ट के लिए ले गया। इसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहा जाता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की गतिविधियों और उसकी तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को कंप्यूटर पर देख सकते हैं। हमने जब ललिता सहस्रनाम को चलाया, तो जिस तरह के परजीवी अंतर उसमें मिल रहे थे वो रहस्यमय थे। हे भगवान, अब मैं समझा, ये आवाजें कुछ अलग तरीके से इंजीनियर की गई हैं। मंत्र की लय आपके परजीवी तंत्रिका तंत्र में जाएंगी और आपको 3 से 5 मिनट के भीतर गहरी नींद में डाल देंगी। मुख्य बात तो ये है कि ये मंत्र बहुत साल पुराने हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों को ये कैसे पता चला होगा कि ये ध्वनियां पैरासिंथेटिक तंत्रिकाओं को प्रभावित करती हैं। अब ललिता सहस्रनाम तो रात में चलता है, लेकिन सुबह मंदिरों में विष्णु सहस्रनाम का जप चलता है। इन ध्वनियों को इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि यह आपको मन की शांतिपूर्ण और तरोताजा अवस्था में जगा देगा। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों की सुबह कुछ खास नहीं होती होगी, क्योंकि चिड़चिड़े दिमाग के साथ तो आप सुकून से सो नहीं सकते और इसलिए आप जागने का भी आनंद नहीं ले सकते। यदि आप सुबह सुबह विष्णु सहस्रनाम को सुनेंगे तो यह आपके मस्तिष्क में मौजूद सभी दंद फंद को साफ कर देगा और जागने पर आप सुपर फ्रेश महसूस करेंगे। आज भी आप तिरुपति मंदिर में जाकर देख सकते हैं, वहां सुबह विष्णु सहस्रनाम का और रात में ललिता सहस्रनाम का जप होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों के गूढ़ विज्ञान और उनकी मानव प्रणाली की गहरी समझ का कोई सानी नहीं है। यह समय के साथ विकसित हुआ वो विज्ञान है जिसका अभ्यास आज भी मंदिरों में किया जा रहा है। अब भी अधिकांश मंदिरों में यह सब होता है बिना यह जाने कि वो ये क्यों कर रहे हैं। मैंने जब एक पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बस सालों से ये ऐसे ही चल रहा है। या वो लोग कुछ भी कह देंगे, जैसे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इससे आपको लक्ष्मी का लाभ मिलेगा, गर्भरक्षा होगी आदि आदि, कुछ भी। ये भी एक कारण है कि आज मंदिर खंडर में बदलते जा रहे हैं। मंदिरों के विज्ञान के बारे में बात करने वाला कोई है ही नहीं। मंत्रों का क्या महत्व है और क्यों पत्थर की मूर्ति मंदिर में रखी गई है किसी को नहीं पता। मंदिर के चारों ओर एक पूरी संस्कृति विकसित होती है जो आपके जीवन का संचालन करने के हर पहलू के बारे में बात करती है।
अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करें, यहाँ तक कि बहुत ही बुनियादी पहलुओं जैसे कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है आदि आदि, मंदिर हमेशा मानव जीवन को समृद्ध करने के बारे में बात करते हैं। इसलिए उन्होंने चट्टान को भगवान कहा, और जब आप भगवान के लिए जप करते हैं तो उसका प्रभाव आसपास में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाता है। ये एक निशुल्क सेवा है। क्या आपके डॉक्टर मुफ्त में आपका इलाज करेंगे? लेकिन ये मंदिर मुफ्त में सेवा कर रहे हैं कई सदियों से। लेकिन अब इन मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इन्हें सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का समय आ गया है। मंदिर की संपत्ति को लूटा जा रहा है। सरकार को लगता है कि बहुत अधिक सोना वहां उपलब्ध है जिसे लूटा जा सकता है। आप जानते हैं कि मंदिर का डिजाइन ऐसा होता है कि उसमें एक ध्वज स्तंभ होगा ही जो किसी धातु से बना होगा, आमतौर पर सोना या तांबा। पीतल ध्वनि का अच्छा संवाहक है, सोना बिजली का एक उत्कृष्ट चालक है और इसमें ऊर्जा की उच्च ग्रहणशीलता होती है। मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे सोने के बारे में चिंतित सभी बेवकूफों के मुंह पर यह वीडियो एक तमाचा है। यह एक स्पष्ट विज्ञान और सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग है जिसकी तुलना में आधुनिक विज्ञान अभी बहुत गौण है। मंदिर के डिजाइन में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। ये डिजाइन ऐसा होता है कि ऊर्जा की तरंगे जो गोपुरम द्वारा जीवंत तो होती हैं वो सीधे गुजरती हैं और यहां जो एंटीना की तरह की व्यवस्था है उसको छूती है और ऊर्जा के प्रारूप में संग्रहित होती है। लोगों में इसे छूने की मान्यता है। बहुत से लोग अपने सिर से इसको छूते हैं ये जाने बिना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आपको एक ऐसे स्थान पर चलना होता है जो कि उस ऊर्जा से भरा हुआ होता है जो अंदर की चट्टान द्वारा प्रेषित होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, आपको इस ऊर्जा का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मंदिर के बाहर निकलने के बाद आप पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हैं। आपको दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। इस पथ से गुजरने के बाद आप सक्रिय रूप से अंतर महसूस कर सकते हैं। और यह डिजाइन किसी मस्जिद या चर्च में नहीं है। सिर्फ चर्च और मस्जिद ही नहीं, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग मंदिर की इंजीनियरिंग को हरा नहीं सकती। ये अतुलनीय है। आप में से कितने लोग इस पूरे विज्ञान से अवगत हैं? अब आप उन मूर्खों को क्या कहेंगे जो मूर्ति पूजा का उपहास करते हैं? क्या आपको लगता है कि उनमें जरा सा भी दिमाग है? जो लोग मूर्तियों पर पेशाब कर रहे हैं और जो लोग मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वे इंसान कहलाने के योग्य हैं? जानवरों की प्रकृति अभी भी उनमें जीवित है, या यूं कह लीजिए कि ये लोग जीवित राक्षस हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मंदिर निर्माण में प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तुलना में आधुनिक विज्ञान अभी भी शैशव अवस्था में है। मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रवीण मोहन का चैनल तो देखते ही होंगे। उन्होंने मंदिरों के संदर्भ में गजब का काम किया है। यदि आपको हमारे योगियों की प्राचीन तकनीक के बारे में जानना है तो कृपया इनके वीडियो जरूर देखें। विज्ञान के नाम पर अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया गया वो एक मजाकिया बकवास है। ये वीडियो देखें, आपको उन चीजों के बारे में पता चलेगा जिनका आधुनिक विज्ञान के पास कोई सुराग नहीं है। इनका निर्माण वर्षों पहले किया गया है। आज बेवकूफों की एक पूरी जमात है जो अपने शरीर को नींद में डालने के लिए सभी प्रकार के पेय और दवा लेती है। इस ग्रह पर हर शराबी एक प्रमाणित मूर्ख है, क्योंकि ये लोग शरीर को आराम देने के लिए पूरे शारीरिक सिस्टम को ही बर्बाद कर रहे हैं। जब आपके सिस्टम को आराम देने के लिए एक सुंदर तरीका बनाया गया है, तब आप एक विकल्प के रूप में दारू और ड्रग्स को ढूंढते हैं। यह तो प्रचंड बेवकूफी का काम है। राज्य की आय को संतुलित करने के लिए सरकारें दारू के व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं। यह तो मूर्खता का प्रतीक होना चाहिए। राज्य चलाने का कितना भयानक तरीका है यह। ऐसी नासमझ सरकारें मंदिरों को संभाल रही हैं। हे भगवान, अब तो पत्थर के अंदर भगवान को याद करने का समय है। यह सिर्फ एक गूंगा पत्थर नहीं है, एक चट्टान को तराश कर जीवंत करने के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कई रहस्यवादियों ने अपने जीवन की ऊर्जा को एक चट्टान में बदल दिया है और उसे एक जीवित प्राणी की तरह क्रियान्वित किया है। सदगुरु ऐसे रहस्यवादियों का जीवित उदाहरण है। उन्होंने ध्यान लिंग का संरक्षण किया है।
अधिकांश लोगों के लिए यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है। ऐसे भी भक्त हैं जो इन मूर्तियों से बातें कर सकते हैं और उनके काम भी होते हैं। अब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े लिखे वो बेवकूफ जो सदग्रंथों से दूर भागते हैं, वो लोग जीवन के इन भक्ति भरे पहलुओं को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे भी मंदिर हैं जिन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाता है, हर रोग के लिए इस भरत भूमि के शक्तिशाली मनीषियों द्वारा संरक्षित मंदिर है। पर अब ये मंदिर खंडर में बदल गए हैं। इन मंदिरों की हालत देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार जो ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों से ऊर्जाओं का तार जोड़कर ब्रह्मांड के साथ संचार करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में कार्य करते थे, अब एक ऐसी भयानक स्थिति में है। उफ, मूर्खों को इस बात का कोई पता नहीं है कि ये मंदिर किस लिए बने हैं। और सबसे खराब बात, मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। मंदिर के फंड का दुरुपयोग नर्क की तरह किया जा रहा है। मंदिर की संपत्ति बेची जा रही है। उन जगहों पर चर्चों का निर्माण किया जा रहा है। क्यों? क्या हम एक बार के लिए सभी झगड़ों को एक तरफ रखकर सिर्फ इस एक कारण के लिए एकजुट हो सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो? ये मत सोचो कि हमारे देवता आएंगे और हमारे प्रिय मंदिरों को बचाएंगे। हमको स्वयं उठकर कुछ करना होगा। आप कहीं भी हो, आप जो भी हो, चाहे आप मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू हो, कृपया इस आंदोलन का हिस्सा बने। फ्री टेम्पल्स फ्रॉम सरकार।